गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.7 क्लास फोर्थ का मैथ है। तो मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, उसी में दिया है एक्सरसाइज 4.7। तो ये कोई नंबर दिया है और कह रहा है कि इसका नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ निकालना है और उसमें इस्टीमेट उनका डिफरेंस निकालना है, फिर एक्चुअल डिफरेंस निकालना है, फिर ये बताना है कि क्या वो इस्टीमेशन के क्लोज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट क्लोज, क्लोज है तो क्लोज। ओके, तो नियरेस्ट 1000 का जब भी कोई नंबर दिया होता है उसका जब इस्टीमेट करते हैं तो एक कदम हम लोग पीछे चलते हैं। यानी 1000 बोला है तो 1000 के पहले क्या आता है, 100 के बाद ना 1000 आता है। तो 100 वाले नंबर को हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले राउंड ऑफ निकालो। तो अगर हम 1000 वाले नंबर, नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो हमने बोला कि 100 वाले पोजीशन के नंबर को हम लोग चेक करते हैं, यानी एक कदम पीछे। तो 100 वाले पोजीशन पे क्या है, क्या लिखा है, 2। और इसका हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या वो 5 से ग्रेटर है या लेस है। जब भी जिस नंबर का हम लोग कंपेयर करें वो 5 से अगर ग्रेटर होगा तो उसके जस्ट 1000 वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, और अगर वो लेस होगा, यानी 5 से जब लेस होगा तो उसको वैसे ही सिंपली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 दिया है, तो 2 ना तो 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 से लेस है, तो उसको सिंपली हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये वाले जो नंबर है 1s और 10s पोजिशन पे जो नंबर है उनके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8200। ओके, उसमें से माइनस, अब इसका कंपेयर करो, तो 1 किस पोजिशन पे है, 100। तो 100, तो 1 5 से लेस है कि ग्रेटर है, लेस है, तो उसको सिंपली छोड़ देंगे। और हमने बोला कि 1s और 10s पे जो भी नंबर है उसके प्लेस में हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4100। इतना समझ में आया। नेक्स्ट दिया है इस्टीमेट डिफरेंट। अब ये तो हम लोग राउंड ऑफ निकाला, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या आ जाएगा, 00 और 4100, ये डिफरेंस आया। अब बोल रहे एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल डिफरेंस हमारा एक्चुअल नंबर तो यही है, तो इसी को माइनस कर दो। तो 5s5=0, 5 और उसे 0 और यानी एक्चुअल डिफरेंस हमारा ये आया। एक्चुअल डिफरेंस का मतलब जो भी नंबर है एक्चुअल, उसमें से माइनस करने के बाद हमारा एक्चुअल डिफरेंस ये आया। अब इसको बताना है, इज दिस इस्टीमेशन क्लोज, क्या यह इस्टीमेटेड जो डिफरेंस आया है उसके क्लोज है। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज़ क्लोज। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दोगे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे 4100 है और यहाँ पे 4050 है, तो 50 का डिफरेंस है और हमको तो कंपेयर करना था 100 वाले पोजीशन पे, तो ये अप्रॉक्स सेम है। ओके, तो ये क्लोज हम कह सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, आप उसको वैसे ही करना। नेक्स्ट उसी में दिया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है। तो मान लो कोई नंबर दिया है, जैसे यही नंबर था, इसी नंबर को हम लोग इस्टीमेट करके निकालना, नियरेस्ट 1000 अगर बोला है तो उसको नियरेस्ट 1000 पे निकालना और उसको चेक करना है कि अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे इस्टीमेट किया है राउंड ऑफ करके और हमारा डिफरेंस ये आया, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन ऐसे करना। और जब भी डिफरेंस हमारा 3000 के आसपास आएगा, यानी उससे लेस है या उससे ग्रेटर है, तो हमको मैच कर रहा है, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, मोर देन 3000 एंड लेस देन 3000। तो अगर वो 3000 से मोर होगा तो उसको उससे मैच करना, और लेस होगा तो लेस वाले से मैच करना। लेकिन ये कैसे करना है, इस्टीमेट करके करना है। ओके, और एम सी क्यू है वो आप उसको करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5 है, मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी कोई नंबर होता है जिससे हम लोग, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड। ओके, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको
मिलता है नंबर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे अगर हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा, और 3 हमारा मल्टीप्लायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 12 आया, तो 12 हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा, मान लो 74 × 10। अब टेंस का मतलब क्या होता है, ये तो छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10, 100 का मतलब 100, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बीच में जब मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यानी हमको मल्टीप्लाई ही करना है, तो 74 × 10 लिखा है, तो टेंस का मतलब क्या हुआ, 10। तो 74 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 के आगे, जैसे 2 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, ऐसे ही 74 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 714 होगा। ओके, ऐसे ही अगर बोलता 74 × 100, यानी इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना, और इसमें कुछ टेबल भी दिए हुए हैं उसको आप लोग लर्न कर लेना। अब एक्सरसाइज 5.8 दिया है कि मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ही हमको ऐड करना है, जैसे 1 + 1 + 1 + 1। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमको इसको ऐड करना, फिल करना है, तो 1 को सबसे पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 को ही ना ऐड करते जा रहे हैं, वो कितनी भी टाइम्स ऐड करे, तो कितनी टाइम्स ऐड किया है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स ऐड किया है, तो हम उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नंबर मिलता है, ना कि 1। ओके, ऐसे ही अगर इसके जगह पे 6, 6, 6 ऐसे दिया होता 5 टाइम्स, जस्ट सपोज 5 टाइम वो दिया है, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले 6 लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, और कितने टाइम्स दिया होता तो 5 टाइम्स, तो उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी 6 × 5 = 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जब भी किसी हम नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नंबर मिलता है, ना कि 1 मिलता है, और जब भी किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, ना कि नंबर मिलता है, दोनों में डिफरेंस है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग फिल करना। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ होता है, जैसे a प्लस बी लिखें या b प्लस ए, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। तो अगर कोई नंबर दिया है 7 × 8 = उसके जगह पे -7, तो हमको पता है यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और 7 में 8 को मल्टीप्लाई करूँ तभी 56 आएगा, और 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 56 आएगा, इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। ओके, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है 99 को आप लोग कितनी टाइम्स ऐड करो, 10 टाइम्स ऐड करो, तो 99 को 10 टाइम्स ऐड करें या 10 का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग ग्रुप में पूछना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।